यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए ट्रिक है जन्म तिथि से उम्र निकालने का तरीका। ये कब ट्रिक से जन्म तिथि अपना सही निकाल सकते हैं, कोई भी गलती नहीं होगा। अक्सर आप लोग गलती करते हैं जन्म तिथि और निकालने में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी, एकदम सही से निकलेगा, एग्जैक्ट निकलेगा। सिर्फ आप छोटा सा ट्रिक को मेरे फॉलो कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे पर बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। थैंक। चलिए आप मेरे स्क्रीन पर देखिए, यहाँ है 17/10/2019 पर दिन माह साल लिखा हुआ है। चलिए यहाँ निकला 15/2/2019 से कौन आपको यहाँ पर चलिए इसमें से घटा देना है। अक्सर आप लोग इधर से घटाते हैं दाएं से, लेकिन इसमें उल्टा घटाना है, बाएं से घटाना है। ठीक है, 17 में से 15 घटेगा कितना हो जाएगा 0/2। 10 में से 2 घटेगा तो बच जाएगा 0/8। चलिए आप इधर देख लीजिए, इसमें देखना है 19 और 1999। चलिए इधर घटा देते हैं आपको 2019 में 1999। चलिए घटा लीजिए इधर, 9 में से 9 घटेगा 0। एक दिन 10 से लीजिएगा, 20 में से 10 11 में से 9 घटेगा 2। 19 कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 20 साल। चलिए कितना होगा 2 दिन 8 माह 20 साल। चलिए ऐसे ही एक और मैं ट्रिक ले लेता हूँ, एक और कोई मैं दिन उठा लेता हूँ। अगर आपको कोई दिन चाहिए तो आप कमेंट लिख दीजिए, उसका भी मैं बना भेज दूंगा वीडियो आपको। चलिए यहाँ 17/15 यहाँ 5/2019 यहाँ ले लीजिए 17/6/1997। चलिए यहाँ 15 है, ऊपर 15 नीचे 17 तो नहीं घटेगा, इसमें से एक दहाई लेंगे, इसमें से एक ले लेंगे तो कितना रहता है महीना, कितना 12 दिन का रहता है, तो इसमें 12 ऐड हो जाएगा, कितना जाएगा 27 मंथ हो जाएगा। 27 में से जब 17 घटाइए कितना बच जाएगा 10। जब 27 में से 17 घटाइए 10 दिन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ बच जाएगा 4, इसमें से एक वर्ष ले लेंगे, एक वर्ष में कितना दिन होता है 12। बारह पास सत्रह में 6 घट जाएगा था, कितना जाएगा 11, और कितना बच जाएगा अब देख लीजिए 1999 और 1997। इसी एक दिन कटेगा 2 बच जाएगा, इसमें से 20 में से 10 11 में से 2 कट जाएगा, कितना जाएगा 22 साल हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ही वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक्स। वंदे मातरम।